अखिलेश यादव लगातार तीसरी बार चुने गए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने किया ऐलान, मंच पर अखिलेश यादव का किया गया जोरदार स्वागत। अखिलेश यादव ने दोबारा से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर राष्ट्रीय अधिवेशन में मौजूद सभी लोगों का आभार जताया, कहा मुझ पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद। तो आप सबने मुझे अध्यक्ष चुनकर के जो भरोसा जताया है, मैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अध्यक्ष बनते ही अखिलेश का भाजपा पर तीखा हमला, का झूठ के सहारे से आगे बढ़ रही है भाजपा, का जैसे जैसे चुनाव आते हैं राशन फ्री करने लग जाते हैं। ये राशन फ्री करने वाले लोग, और देखो फिर राशन फ्री कर दिया है, लगता है कहीं पर चुनाव आया इसीलिए राशन फिर फ्री हो गया है। ये जैसे जैसे इन्हें चुनाव डराता है वैसे वैसे ये राशन फ्री कर देते। अखिलेश यादव ने इशारों में कहा कि वो प्रधानमंत्री की रेस में नहीं है, लेकिन भाजपा को हराने के लिए विपक्ष की अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, समाज को बांटने वाली ताकतों को हराना है। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर वार किया, चुनाव आयोग पर भाजपा के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया, कहा चुनाव आयोग ने हमारे मुस्लिमों और यादवों के वोट कम कर दिए। हमें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, इलेक्शन कमीशन उसने बीजेपी के सारे इस पर, पन्ना प्रभारियों के सारे पर जानबूझ करके हमारे यादव और मुसलमानों के वोट, कोई विधानसभा ऐसी नहीं है जहां पर 20,000 कम न कर दियो, 20,000 वोट न काट दिए। अखिलेश यादव ने समाजवादियों से संकल्प लेने का आह्वान किया, कहा 5 साल में नया इतिहास बनाने का संकल्प ले ताकि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनकर उभरे। आज हम लोगों को संकल्प भी लेना है कि आने वाले 5 साल में हम समाजवादियों को नया इतिहास भी बनाने का काम करना है। ये नेताजी हमेशा चाहते थे कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने, लेकिन आज के दिन जब 5 साल आप मौका दे रहे हैं तो हम सबको मिलकर के ये संकल्प लेना चाहिए कि जब अगली बार हम लोग मिले तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन करके आए। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, तर्क से बचने के लिए नौजवानों को पढ़ने लिखने नहीं देना चाहती भाजपा सरकार। यूनिवर्सिटियों के आंकड़े उठा लीजिए, जब आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वहीं हमारा नौजवान पढ़ा लिखा ना बन जाए उसके साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लोग जानते हैं जब पढ़े लिखे होंगे नौजवान तो वो तर्क कर सकते हैं, और तर्क करेंगे तो उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसलिए वो नौजवानों को पढ़ने लिखने का भी अवसर। अखिलेश यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से कहा कि अपना बूथ सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा, एक भी वोट बांटना नहीं चाहिए। अपना बूथ सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा, एक भी वोट बांटना नहीं चाहिए, पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा उत्तर प्रदेश, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए साजे षड्यंत्र और न जाने कौन सी नई चीज लेकर के आएंगे बीजेपी के लोग। उत्तराखंड के लोगों को लगा महंगाई का करंट, बिजली बिल पर अब देना होगा 6.5% सरचार्ज, 20 लाख बिजली उपभोक्ता प्रभावित होंगे। हरिद्वार में जारी है पंचायत चुनाव की मतगणना, अभी तक जिला पंचायत की 2 सीटों पर आए नतीजे, तो बीडीसी की 117 सीटों पर परिणाम भी घोषित। एबीपी गंगा एक बार फिर से नंबर 1, यूपी उत्तराखंड के दर्शकों ने भरोसा जताया, प्यार के लिए दर्शकों का शुक्रिया। लखीमपुर खीरी में शिव मंदिर मार्ग पर मगरमच्छ ने रोका राहगीरों का रास्ता, गांव वालों के बीच सड़क पर खड़ी करनी पड़ी गाड़ी, बीच सड़क पर मगरमच्छ के बैठे होने का वीडियो कार सवार ने बनाया। अलीगढ़ में अलदुआ मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव के चलते काम करने वाली 50 महिला कर्मचारी बेहोश, बेहोश महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया, डीएम ने तत्काल चिकित्सकों को इलाज करने के निर्देश दिए। बागपत के बिलाना डिकोली मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा, कपड़ों से भरे ट्रक में आग लगी, कपड़ों की कीमत बताई जा रही है 75 लाख रुपए।
कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र के ग्लोबल अकेडमी कोचिंग सेंटर में लगी आग उस पर काबू पाया गया। बिल्डिंग में फंसे छात्रों को निकाला गया। अमरोहा में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, लाखों रुपए का कपड़ा जलकर खाक। गजरौला थाने के बस्ती का मामला। मुरादाबाद में लंबी बारिश से संक्रमित गाय के मिलने से लोगों में फैले दहशत। चार दिन से शिव पार्क में खड़ी है बीमार गाय, शिकायत के बाद भी अधिकारियों पर इलाज नहीं करवाने का आरोप। कानपुर देहात में गौरक्षक हत्याकांड में न्याय न मिलने पर मृतक के परिजनों का पलायन। घर, प्लॉट और जमीन बिकाऊ लिखवाकर प्रशासन और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए परिजनों का आरोप। धमकियों से डर कर लिया पलायन का फैसला। प्रयागराज में 15 साल पहले बनकर तैयार हो चुके सरकारी अस्पताल, अभी तक नहीं हुई डॉक्टर्स पैरा मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति। बदहाली के आंसू रो रहा अस्पताल, मरीज कर रहे इलाज मिलने का इंतजार। केदारनाथ में लगे उत्तराखंड सरकार होश में आओ किनारे, श्रद्धालुओं ने लगाई अंकिता भंडारी को न्याय देने की गुहार। कैंडल जलाकर अंकिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंकिता हत्याकांड के बाद जोशीमठ में होटल व्यवसायी और रिजॉर्ट संचालकों पर कार्रवाई तेज। प्रशासन सभी होटलों कर रहा है चेकिंग, होटल स्टाफ से लेकर होटल के रजिस्ट्रेशन और नक्शों की भी चेकिंग जारी। मथुरा में सौतेले बाप ने बेटे की हत्या कर डाली, 10 साल के बेटे की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या। डबल बेड पर गंदे पैरों से चढ़ गया था बच्चा, पुलिस ने हत्यारे बाप को गिरफ्तार किया। पिथौरागढ़ में गढ़ा गोगना राजकीय जूनियर स्कूल में तैनात शिक्षिका के व्यवहार से बच्चे परेशान, ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिक्षिका को उठाने की मांग। सोनभद्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने छात्राओं की कक्षा में जाकर जायजा लिया। बेसिक शिक्षा अधिकारी को शौचालय में टाइल्स लगाने के निर्देश दिए। हत्याकांड के बाद अल्मोड़ा में होटल और रिजॉर्ट की चेकिंग का अभियान तेज। 52 होटल की चेकिंग की गई, 4 होटल का 10,000 का चालान और 11 को नोटिस देकर एक हफ्ते का दिया समय। अमेठी में 10 लोगों से भरी ई रिक्शा को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मारी, हादसे में 3 लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार। अलीगढ़ में टैंकर ने धान से भरी ट्रक में मारी टक्कर, हादसे में बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद ट्रक टूट कर 2 टुकड़ों में। हापुड़ में युवक का गला कटा शव सड़क के किनारे मिलने से सनसनी, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका। पुलिस युवक के शव को कब्जे में लेकर कर रही शिनाख्त। गोंडा में आईटीआई में पढ़ने वाली छात्र छात्राओं का टीचर पर गंभीर आरोप, पढ़ाई के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप पर फोन वीडियो का लिंक भेजने का आरोप लगाया, पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ केस दर्ज किया। अंकिता हत्याकांड के बाद नैनीताल जिले में होटल और रिजॉर्ट्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जिले के 10 रिजॉर्ट सील, 19 के खिलाफ चालान की कार्रवाई। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित कर किया नमन, स्मृति ईरानी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पौड़ी पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, अंकिता हत्याकांड पर बोले, दोषियों को बचाने के हथकंडे अपनाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। रिजॉर्ट पर रातों रात बुलडोजर चलना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में मारपीट, एलेक्जर कार्यक्रम के दौरान मारपीट से मचा अफरा तफरी, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। श्रावस्ती में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का तेजी से सर्वे हो रहा है, जनपद के कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का टीम ने सर्वे किया, कई मदरसों के कागजात मिले अधूरे। फतेहपुर दुर्गा पंडाल के मंच पर बार बालाओं के डांस का वीडियो सामने आया है, भक्ति गीत की जगह फिल्मी गानों में बार बालाओं का डांस चल रहा है, वीडियो वायरल होने पर लोगों में नाराजगी। मऊ में माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य उमेश सिंह के कुर्की किए गए फार्म हाउस में आग लगी, फायर ब्रिगेड का गाड़ियों ने उस पर काबू पाया। दौरागढ़ में एक शख्स ने जिला प्रशासन से इच्छा मृत्यु के लिए डीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र, व्यक्ति पहले डीएम कार्यालय में मालिक पद पर तैनात था, शुगर लेवल बढ़ जाने पर दोनों पैरों को काटना पड़ा। जालौन में फ्री सामान न देने पर दबंगों ने दुकानदार से जमकर मारपीट की, घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सालय के पास अचानक गिर गया पुस्ता, गिरने से अंडा खेत मार्ग पूर्ण रूप से बाधित, स्थानीय लोगों की मदद से सड़क पर आए पत्थरों को हटाकर वाहनों के लिए मार्ग खोला गया। आगरा में दुग्ध व्यापारी के घर में लाखों की चोरी, बक्सों में रखे जेवरात और नकदी लेकर हुए फरार, सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। माधव जनशक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के भतीजे को तेज रफ्तार बोलेरो ने मारी टक्कर, मौके पर हुई युवक की दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आधा दर्जन से ज्यादा अल्ट्रासाउंड सेंटर्स का निरीक्षण किया,
निरीक्षण के दौरान निजी अस्पताल का लाइसेंस रद्द। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से दो बदमाश घायल, बाग में डकैती की योजना बना रहे थे बदमाश। चित्रकूट में शारदीय नवरात्र के चौथे दिन देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़, भक्तों ने देवी मंदिरों में पहुंचकर देवी प्रतिमाओं पर जलाभिषेक कर उनकी पूजा अर्चना की। नैनीताल में राम बारात में लोगों ने जमकर किया नाच, रामलीला के पात्र भी कोविड के बाद दर्शकों को अपना अभिनय दिखाने में खुश महसूस। अंकिता हत्याकांड को लेकर बोले भाजपा सांसद मनोज तिवारी, जो भी नारी के खिलाफ अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा के कपड़े की दुकान से में तमंचे की नोक पर लूट, तीन बदमाशों ने व्यापारी को धमकाते हुए 25,000 रुपए लूटे, सीसीटीवी में कैद हुए लूटे। छपरौली इलाके के छपरौली कस्बे में लूट की वारदात से व्यापारियों में दहशत, पुलिस सीसीटीवी से बदमाशों की तलाश में जुटी। नवरात्रि के चौथे दिन आज मां कुष्मांडा की हो रही पूजा, देवी मां के मंदिरों में लगी भक्तों की भारी भीड़, मां के जयकारों से गूंज रहे हैं मंदिर। लखनऊ में सीएम योगी ने की लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक और अफसरों को जरूरी निर्देश दिए, उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेजेस के लिए पैसों की कमी नहीं। सीएम योगी ने बैठक में निर्माण परियोजनाओं की साप्ताहिक समीक्षा करने को कहा, मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करने के साथ ही नवीनतम तकनीक को अपनाने की बात कही। बागपत में एम्बुलेंस के अंदर घर का सामान ढोने के मामले पर डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया, मामले की जांच बिठाई, सीएमओ से दोषियों पर कार्रवाई करके पूरी रिपोर्ट मांगी। नोएडा में दीवार गिरने से चार मजदूरों की मौत का मामला, पुलिस ने अथॉरिटी के 5 अफसरों को भेजा 91 CRPC का नोटिस, अथॉरिटी के DGM मैनेजर जेई और 2 सुपरवाइजर को नोटिस। कानपुर के चकेरी इलाके में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई, दुकानदार ने हाथ पैर बांधकर युवक को बेरहमी से पीटा। स्थानीय लोगों के विरोध करने पर दुकानदार ने युवक को छोड़ा, चकेरी थाने के 100 मीटर दूर हुई घटना का पुलिस को नहीं पता चला। गोरखपुर में चोरी के शक में दंपति की पिटाई के मामले का खुलासा, बच्चों की खरीद फरोख्त करने आए 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल, पुलिस को 6 फरार आरोपियों की तलाश, 10 महीने के नवजात को पुलिस ने बरामद किया। आरोपियों से 45,000 रुपए और 1 स्कॉर्पियो भी पुलिस को बरामद हुई, साथ ही गैंग की महिला के मोबाइल से 20 से 25 बच्चों की फोटोज भी मिली। अमरोहा में लड़की पक्ष ने दूल्हे समेत बारातियों को बनाया बंधक, कोर्ट मैरिज होने के बाद भी दूसरी शादी करने पहुंचा था दूल्हा, प्रेमिका के पहुंचने पर खुला दूल्हे का राज। शादी समारोह में हंगामे की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर बारातियों को छुड़वाया, थाना नौगावा के गांव पंजूसराय का मामला। कोटद्वार के अबकेश्वर बड़े पंजाई खाल में अनियंत्रित होकर गिरा वाहन, गाड़ी चला रहा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, स्थानीय लोगों ने ड्राइवर का रेस्क्यू किया। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर हुआ भूस्खलन, धारासू बैंड के पास भारी मात्रा में सड़क पर आए बोल्डर्स और बड़े बड़े पत्थर। गंगोत्री यमुनोत्री जाने वाला रास्ता हुआ बंद, सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जनपद मुख्यालय का पूरी तरह संपर्क कट गया। रुद्रपुर में प्रवेश की मांग को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन तेज, कॉलेज की छत पर चढ़कर छात्रों ने प्रदर्शन किया, छात्रों ने महाविद्यालय और कुमाऊं विश्वविद्यालय के खिलाफ भी नारेबाजी की। कानपुर में पत्नी समेत संबंध के शक में बड़े भाई ने की छोटे भाई की हत्या, आरोपी ने छोटे भाई को डंडे से तब तक पीटा जब तक उसकी मौत नहीं। आउटर महाराजपुर के घागूखेड़ा गांव की वारदात, पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया, घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था आरोपी। हाथरस मामूली बात पर पेट्रोल पंप कर्मियों ने की युवक की पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई मारपीट की वारदात। गाजियाबाद वसुंधरा में अपार्टमेंट के टेरेस पर लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मशक्कत के बाद आग बुझाई। नवरात्र और आगामी त्योहारों को लेकर नोएडा पुलिस अलर्ट पर, शहर में अलग अलग इलाकों में पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। ट्रैक्टर ट्रॉली पर अड्डे से हो रहे दर्दनाक हादसों के बाद उन्नाव पुलिस सड़क पर गांधीगिरी के अंदाज में उतरी, सीओ ने ट्रैक्टर ट्रॉली में सुरक्षा के लिहाज से सफर न करने के लिए लोगों को जागरूक किया। गर्भवती अविवाहिता महिला के गर्भपात पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अविवाहित महिलाओं को भी गर्भपात करने का अधिकार, अविवाहित महिलाओं को 20 से 24 सप्ताह के गर्भ को गर्भपात करने का अधिकार। चुनाव से पहले गुजरात में पीएम मोदी का मेगा शो, सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निकाला रोड शो। पीएम मोदी ने सूरत में सौगात दी, 3400 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सूरत में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, बोले नवरात्र में सूरत आना सौभाग्य की बात, है दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर।
बैन के बाद पीएफआई के खिलाफ लगातार एक्शन। अब ट्विटर ने अकाउंट सस्पेंड किया। केरल सरकार ने भी पीएफआई को गैर कानूनी बताया। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले सीरियल ब्लास्ट। उधमपुर में डोमेल चौक और बस स्टैंड पर खड़ी एक बस में धमाका, दो लोग घायल। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 किलो विस्फोटक बरामद। पुलिस ने एक महिला को हिरासत में लिया। महिला पर आईडी सप्लाई करने का शक। उधमपुर धमाकों को बड़ा खुलासा। शुरुआती जांच में स्टिकी बम से इस्तेमाल की बात सामने आई। धमाकों की जांच में जुटी जांच। उधमपुर ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने प्रदर्शन किया और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। देश में नए अटॉर्नी जनरल के नाम ऐलान कर दिया गया। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ वकील आर वेंकट रमणी की नए अटॉर्नी जनरल पद पर नियुक्ति की। वेंकट रमणी ने प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और कानून मंत्री का शुक्रिया अदा किया। कहा, यह बहुत बड़ा दायित्व, इसे पूरी क्षमता के साथ निभाने की कोशिश करेंगे। देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस ऑफ स्टाफ का हुआ ऐलान। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान का नए सीडीएस के तौर पर नियुक्ति। अनिल चौहान उत्तराखंड के पौड़ी के रहने वाले। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को उग्रवाद के खिलाफ अभियानों का खासा अनुभव है। तो सेना में कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं और अंगोला में संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक भी रह चुके हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 22वां दिन। केरल के मलापुरम से राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाला कार। असम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी सीमा पर सुरक्षा हालात का जायजा लिया। जवानों का हौसला बढ़ाया। कांग्रेस वरिष्ठ नेता जयंती पटनायक का 90 साल की उम्र में निधन। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। ओडिशा में बालासोर के झींगा प्रोसेसिंग प्लांट में अमोनिया गैस लीक। 25 कर्मचारी बीमार, अस्पताल में भर्ती। झारखंड के दुमका में स्कूल के हॉस्टल में सिलेंडर फटा। हादसे में हॉस्टल के कई कमरों को नुकसान। 2 छात्र गंभीर रूप से घायल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।